ओम नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। कैलाश मानसरोवर जी की इस पवित्र यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त सचिन शर्मा कुछ ही समय में टेक ऑफ करने वाला हूं जी, नेपाल से कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने के लिए, वो भी शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर। हमारे भारतवर्ष से कुल 140 यात्री आए हैं जिनको भोले बाबा ने बुलाया है जी शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर दर्शन देने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा यही निवेदन रहेगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा और कमेंट सेक्शन में भोले बाबा का एक पवित्र मंत्र जरूर लिखेगा। देख सकते हैं जी मेरे जस्ट सामने, एकदम सामने आपको ये चार्टर्ड फ्लाइट दिख रही होगी जिसमें बैठकर हम नेपाल से जाएंगे और श्री कैलाश मानसरोवर जी के दर्शन करेंगे। हर हर महादेव। बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं और आपको सारी जानकारी देते हैं इस यात्रा के बारे में। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम लखनऊ। आज है डे वन हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा का। कुछ ही देर में हम अपने सफर का पहला पड़ाव शुरू करेंगे। हम निकलेंगे लखनऊ से नेपाल की तरफ। ब्रेकफास्ट हमारा लग गया है, जल्दी से चलकर अपना ब्रेकफास्ट ग्रहण करते हैं एंड आफ्टरवर्ड्स अपना आज का सफर शुरू करेंगे नेपाल की ओर। तो आप सब वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको सारी जानकारी मिल पाए इस कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में। हर हर महादेव। सुबह होते ही सभी यात्रियों ने जलपान ग्रहण किया और गाड़ियों में बैठकर रवाना होने लगे नेपाल की तरफ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। देख सकते हैं जी भोले के भक्त भोले के रंग में रंग चुके हैं और अपना आज का सफर शुरू करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे सबसे प्यारे देख सकते हैं जी विशाली जी हैं और उनके आगे हमारे विकास सर जो कि इस पूरी यात्रा को अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं जी ट्रिप टू टेंपल्स की तरफ से। और इस साइड है सारे यात्रीगण जो कि आज लखनऊ से आगे बढ़ेंगे। हर हर महादेव। हमारे इस सफर में ऑनलाइन पाठपूजा.com के माध्यम से दो पुजारी जी ने हमें ज्वाइन किया है जो कि हमारी पूजा अर्चना कराएंगे जी। सभी को शुभकामनाएं देंगे कि बाबा इस वर्ष हमें महाशिवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर दर्शन देने वाले हैं और हम लोग कृतार्थ होंगे जाकर बस उनके दर्शन मात्र करने मात्र से ही। तो हम लोग बहुत प्रसन्नता पूर्वक और उत्साह के साथ में हम लोग बाबा के दर्शन करने के लिए आज लखनऊ से निकल चुके हैं जो कि नेपालगंज के लिए। तो इसी के साथ बाबा सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर 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 महादेव। तो जी सफर में आगे बढ़ते हुए इस समय हम पहुंचे हैं रामनगर में और यहाँ पर ये देख सकते हैं जी नारायण भोग होटल है जहाँ पे अभी रुका जा रहा है। चाय पानी होगा यहाँ पर, सारे यात्रीगण यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, साथ में बैठेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद हम बराज क्रॉस करते हुए हम पहुँच गए रुपेड़िया बॉर्डर जो कि इंडो नेपाल बॉर्डर है। यहाँ पर लिखा हुआ है कैलाश मानसरोवर दर्शन बाय ट्रिप टू टेम्पल्स 2024 जी। ये होने वाली है नंबर वन कैलाश यात्रा, पंच कैलाशों में से एक। लखनऊ से नेपालगंज तक का ये सफर लगभग 200 किलोमीटर का होगा जिसे हम कुल 5 घंटे में पूर्ण करेंगे। इस समय हम नेपाल एंटर करने वाले हैं। यहाँ पर हमारी गाड़ी का भंसार बनेगा और चेकिंग वगैरह होगी, जल्दी से चेकिंग वगैरह करवाते हैं एंड आफ्टर दैट आपसे कनेक्ट करते हैं। चेकिंग करवा ली है,
बॉर्डर क्रॉस हो गया है और अपना सारा लगेज दोबारा से गाड़ी में रखा जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे ये एक थोड़ी सी जद्दोजहद रहती है कि आपको सारा लगेज दोबारा से निकाल कर दोबारा से सारा लगेज एडजस्ट करना पड़ता है। अगर तो आप कुछ घंटे के लिए जस्ट आ रहे हैं नेपाल में तो आपको भंसार बनवाना पड़ता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अगर जैसे आप अपनी गाड़ी लेकर आगे जाना चाहते हो, कहीं काठमांडू जाना चाहते हो, पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने जाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर आरटीओ की फीस भी देनी पड़ती है और गाड़ी का जो पर डे का कॉस्ट रहता है परमिट का वो 600 रहता है, आरटीओ का अलग से रहता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। नेपाल पहुंचते ही कुछ किलोमीटर बाद हमें दिखाई देता है हमारा लग्जूरियस सिद्धार्थ होटल। अपनी आज की लोकेशन में पहुंच गया है नेपालगंज में होटल सिद्धार्थ, देख सकते हैं जी आप सभी। यहाँ पर कुछ ही देर में हम अपना लंच करेंगे एंड आफ्टरवर्ड्स जैसे ही सारे यात्रीगण यहाँ पर पहुंच जाएंगे नेपालगंज में इस होटल में, फिर हम सारे प्रस्थान करेंगे बागेश्वरी देवी मंदिर में, पूजा अर्चना करेंगे, वहाँ पर जाकर हमारा हवन पूजन होगा और दर्शन करेंगे। बागेश्वरी देवी एक शक्तिपीठ है तो बस शक्तिपीठ के भी दर्शन होने वाले हैं हमारे इस कैलाश मानसरोवर की यात्रा में। ये है जी आज की प्रॉपर्टी जहाँ हम स्टे करने वाले हैं, होटल सिद्धार्था में नेपालगंज में। तो चलिए जल्द से अंदर चलते हैं। होटल में पहुँचते ही सभी यात्रियों का स्वागत तिलक लगाकर और असली रुद्राक्ष की माला देकर किया गया। दिस इज़ आवर रूम, देख सकते हैं जी बहुत ही बढ़िया रूम है जो कि हमें यहाँ पर सिद्धार्था होटल में मिला है, शेयरिंग बेसिस पर मिला है जी, एज कि मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ आप सभी को पता होगा। और साथ में यहाँ पर बालकनी व्यू भी बहुत अच्छा है, सामने आपको स्विमिंग पूल देखने को मिल जाएगा। और ये है कुछ शानदार प्रॉपर्टी नेपालगंज में सिद्धार्था होटल। ये सारी चीज़ें जो भी आपको मिलेंगी ये सारी आपको पैकेज के अंदर ही मिलने वाली है। तो आप में से काफ़ी श्रद्धालु इच्छुक होंगे इस ट्रैवल पैकेज का कॉस्ट जानने के लिए, तो आपको बता दूँ डिस्क्रिप्शन में मैं एक नंबर मेंशन कर रहा हूँ, जिसने भी ट्रिप के रिगार्डिंग इस पैकेज के रिगार्डिंग जो भी डिटेल लेनी है वो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी इस पैकेज के रिगार्डिंग। अगर और भी कोई आप पैकेज लेना चाहे तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर भी शो हो रहा होगा। और अगर वॉशरूम की बात करें तो वॉशरूम भी बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन है वॉशरूम। एंड हेयर इज योर होस्ट एंड दोस्त सचिन शर्मा। तो गाइस चेक इन हो गया हमारा, बहुत ही अच्छा रूम मिला है एंड अब हम मूव कर रहे हैं जी लंच करने के लिए, जल्दी से लंच करते हैं फिर इवनिंग में हमने जाना है बागेश्वरी टेंपल में दर्शन करने के लिए देवी माँ के, माँ जगदम्बा के। चलिए जल्दी से लंच करते हैं। तो ये दोस्तों खाना ग्रहण करने आ गए हैं जी, देख सकते हैं हमारे साथ है हमारे पुजारी जी जो कि बनारस से आए हैं और हमें साथ में ज्वाइन किया है जी देसी गर्ल ट्रैवलर प्रियंका जी ने। कैसे हैं? बहुत अच्छी। कैसा जा रहा है एक्सपीरियंस अभी तक के लिए? एक्साइटेड है कल जो यात्रा हमारी जा रही है? बहुत ज़्यादा, बिकॉज मानसरोवर इटसेल्फ एक ड्रीम था मेरा, अभी भी है, कल पूरी हो गई, पूरा होगा वो ड्रीम। वो भी शिवरात्रि वाले दिन, इतने लकी हम कैसे हो गए। शाम हो गई है जी और इस समय हम सब बढ़ रहे हैं माँ बागेश्वरी देवी जी के दर्शन करने के लिए होटल से। अभी के लिए एक तो ये बस जा रही है, एक ये छोटी गाड़ी जा रही है। सबसे पहले ये गाड़ी यात्रियों को लेकर जाएगी आगे और वहीं पर जाकर हवन पूजा करवाई जाएगी। शाम होते ही सभी यात्री गाड़ियों में बैठकर चल पड़ते हैं बागेश्वरी मंदिर की तरफ। पहुंच गए हैं जी देवी बागेश्वरी जी के इस अद्भुत और पवित्र मंदिर में। चलिए अब आपको इस जगह की महत्वता के बारे में बताते हैं। पुनात 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 पु
माता बसने वहाँ पिकरे नावा मोर जागो छाता करा दो स्वाहा। कहते हैं कि शिव को प्राप्त करने के लिए शक्ति की आराधना जरूरी है, अतः इसी कारण हम बागेश्वरी मंदिर में पूजन अर्चन करके बाबा से मिलने की शक्ति माता से प्राप्त किए। कहते हैं कि बागेश्वरी मंदिर में कोई भी मंत्र का उच्चारण करने या जप करने से ही वह मंत्र तुरंत सिद्ध हो जाता है एवं वाणी से संबंधित कोई भी दोष हो वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जो हम लोग 51 शक्तिपीठ कहे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से ग्रंथ अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा 108 शक्तिपीठ कहलाती है। 51 जो है मुख्य शक्तिपीठ है और 108 यानी कि उनके शरीर का जो छोटे छोटे कण कहीं कहीं गिरे थे वो उसमें सम्मिलित है। तो जो आप लोगों के समक्ष यहाँ पर बागेश्वरी मंदिर है, यहाँ पर माता सती का जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था और माता सा शरीर यज्ञ में समाहित हो गई थी, भगवान शिव उनके भस्मीभूत शरीर को लेकर सभी ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे, उसी समय यहाँ पर जो माता सती का अंग गिरा था यहाँ पर वाणी गिरा था, वाघ जिसे हम लोग बोलते हैं, तो वाघ वाणी, तो जो वाघ से बागेश्वरी यहाँ पर मंदिर प्रसिद्ध हुआ विख्यात हुआ। तो हम लोग जो दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर उसको अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती हैं। तो यदि किसी बालक की मेधा शक्ति कमजोर हो, विद्या में रुचि कम हो, पढ़ने में तीव्रता नहीं आ रही हो, यहाँ दर्शन करने मात्र से माता सरस्वती की असीम कृपा बनती है और बुद्धि विकसित होता है। तो आप सभी हम लोग यहाँ पर माता का दर्शन करके यही प्रार्थना करेंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्वेत्। यही हम लोग कामना से माता के दर्शन करेंगे, अपना नहीं पूरे विश्व का कल्याण हो, और माता के यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय जय माता दी। माता रानी जी की कृपा से हमारा ये जो हवन पूजन है, हवन यज्ञ है, ये संपन्न हो चुका है। यहाँ का जो दृश्य था, माता रानी के हमने श्री चरणों में प्रार्थना की, माँ आदिशक्ति माँ जगदम्बा इनकी उपासना की आवाहन किया, कल स्वयं शिव जी के भी दर्शन हो जाएं। जय माता दी। अभी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं अपने होटल की तरफ, वहाँ पर जाकर डिनर करेंगे और होगा हमारा ब्रीफिंग सेशन। ब्रीफिंग सेशन में बताया जाएगा कि मॉर्निंग में जो फ्लाइट्स जा रही हैं, कौन मेंबर कौन सी फ्लाइट में जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ पे दी जाएगी। बागेश्वरी मंदिर से अब समय है होटल की ओर वापस जाने का, जहाँ पर जाकर हमारा ब्रीफिंग सेशन शुरू होगा। लोगों ने हमारे पे ट्रस्ट किया और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि सबसे अच्छी यात्रा आपको कराएंगे। और कल शिवरात्रि का दिन है, शंकर जी भी साथ हैं, जो अभी इंफॉर्मेशन निकल के आई है कि वेदर क्लीन रहेगा। ठीक है महादेव। ब्रीफिंग सेशन में हमें कैलाश के बारे में पंडित जी के द्वारा कुछ तथ्य बताए जाते हैं और हमें अगले दिन की भी सारी प्लानिंग बताई जाती है। हम लोग यात्रा के लिए निकले हैं, तो आप लोगों के मन में कभी तो जीवन में ये प्रश्न आया होगा कि हम लोग तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं, कभी तो सोचे होंगे, कोई बता सकते हैं क्यों करते हैं, कोई है बताइए। अपने पापों को कम करने के लिए और भगवान के दर्शन करने के लिए। ठीक है, शांति के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि तीर्थाधिगमन पुण्यम यज्ञ भी विशिष्ट है। तीर्थ यात्रा जो होता है अत्यंत ही सत्कर्म होता है, वह यज्ञों से भी बढ़कर होता है। यदि आप अपने घर में यज्ञ नहीं कर पा रहे, बाहर यज्ञ आयोजन नहीं कर पा रहे, उतना सामर्थ्य नहीं है, तो आप किसी भी तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं। तीर्थ यात्रा में जाने के लिए आप लोगों को कोई पाबंदी भी नहीं है। यज्ञ इत्यादि में तो करने में बहुत सारे वहाँ पर नियम होता है जो करना पड़ता है, तीर्थ यात्रा तो कहीं भी कर सकते हैं। तो हम लोग तीर्थ यात्रा इसीलिए कर रहे हैं कि यज्ञों से भी जो बड़ा पुण्य होता है वह करना हम लोग कर सकते हैं। देखिए जी, सारे यात्रियों को यहाँ पर
कुछ गुडीज दी जा रही हैं ट्रिप टू टेंपल्स की तरफ से, जिसमें इसके अंदर सर लगेज बैग, मानसरोवर का जल, ये मेन चीज आई है जी, आप सभी को दिखाना चाहेंगे कैलाश मानसरोवर का जल जो कि सभी श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है, और साथ में ओरिजिनल रुद्राक्ष है, शिव चालीसा है जी फ्लाइट में अगर किसी ने पूजा पाठ करना है उसके लिए, और ये कुछ गुडीज दी जा रही हैं जी सभी श्रद्धालुओं को। ब्रीफिंग सेशन बहुत बढ़िया रहा, अभी के लिए डिनर करने के लिए बढ़ रहे हैं, सुबह के टाइमिंग्स मिल गए, फ्लाइट नंबर्स भी मिल गए, कितने बजे हम निकलेंगे, जस्ट डिनर करते हैं, क्विक डिनर करते हैं और फिर आपसे कनेक्ट करते हैं और आपको सारी डिटेल्स देते हैं। डिनर करने के लिए ऑलरेडी हम हॉल में पहुंच गए हैं, इस समय सारे यात्रीगण यहाँ पर डिनर कर रहे हैं और बीच में हम भी बैठ जाएंगे जी कहीं पे डिनर करने के लिए। व्यवस्था काफ़ी अच्छी है अगर बात करें। तो आपको बता दें कि फ़्लाइट्स के बारे में सबको बता दिया गया है, और चार फ्लाइट्स टेक ऑफ करेंगी, 270 सीटर, 250 सीटर, और लगभग हम 28,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ेंगे और कैलाश मानसरोवर के दर्शन करेंगे साक्षात शिवरात्रि वाले दिन। मेरी है सेकंड फ्लाइट, सेकंड और फर्स्ट फ्लाइट एकदम समझ लीजिए 2-4 मिनट के गैप पे फ्लाई करेगी, 1:15 पे करेगी तो दूसरी समझ लीजिए 6:20 पे करेगी, तो 6:15 के आसपास हमारी भी जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ कर जाएगी। बाकी एक्साइटमेंट बहुत है और शिवरात्रि भी शुरू हो गई है आज 8 मार्च, बस ये जो एक्साइटमेंट है इसको बनाए रखते हैं और सुबह भगवान शिव के परम पिता परमात्मा के दर्शन के लिए प्रस्थान करते हैं। अभी के लिए आप सबको शुभरात्रि बोलेंगे और आप सबसे मॉर्निंग में कनेक्ट करते हैं। हर हर महादेव, शुभरात्रि। नमस्कार जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 5:30 बज गए हैं एंड वी आर ऑल सेट। हर हर महादेव, वी आर ऑल सेट। जल्दी से जल्दी हमने अभी गाड़ी पकड़ के निकलना है फॉर द एयरपोर्ट, वहाँ पे जाके हमें हमारे बोर्डिंग पास मिलेंगे। देख सकते हैं जी यहाँ पर आपको सारी गाड़ियाँ दिखाई दे रही होंगे, सारे यात्री दिखाई दे रहे होंगे जो कि एयरपोर्ट की तरफ बोर्ड कर रहे हैं। हमारे होटल से 3 किलोमीटर्स दूर है जी एयरपोर्ट, और वहाँ पर जाके हमें बोर्डिंग पास दिए जाएंगे एंड आफ्टर दैट जो जिनकी 6:15 की फ़्लाइट्स हैं वो टेक ऑफ करेंगे फ़्लाइट्स में बैठ कर। अगली सुबह अपने साथ एक उमंग की लहर लेकर आई। सनातन धर्म में तिलक लगाने का बहुत ज्यादा महत्व है, इसीलिए एयरपोर्ट जाने से पहले पुजारी जी द्वारा हम सभी यात्रियों को तिलक लगाया गया। So guys, we all are ready. Second batch जाने वाला है second flight के लिए। बस first वाले flight के members को छोड़कर आ चुकी है एयरपोर्ट पर। देख सकते हैं जी सामने बस लग गई है। पहले जो मेंबर्स गए हैं 70 सीटर फ्लाइट में, 35 मेंबर्स गए हैं, सबको विंडो सीट मिली है। अब 50 सीटर फ्लाइट जाने वाली है जिसमें हम 25 मेंबर जाने वाले हैं। चलिए जी और अब इंतज़ार नहीं हो रहा, जल्दी से विराजमान होते हैं अपनी सीट्स पर और पहुंचते हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पहुंचते ही सभी यात्रियों की आंखों में एक अलग सी चमक थी जो केवल कैलाश के दर्शन करना चाहती थी। नेपालगंज के एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं और हमारे साथ है सारे यात्रीगण। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव शंभो। बोर्डिंग पास डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं ट्रू टेंपल्स टीम के द्वारा, या जो भी बोर्डिंग पास अरेंज करने होते हैं एयरपोर्ट पर आकर। देख सकते हैं जी अभी फर्स्ट फ्लाइट वाले आगे लगे हुए हैं, सेकंड फ्लाइट वाला सारा ग्रुप पीछे लगा हुआ है, और जैसे ही इनको डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होता है फर्स्ट फ्लाइट वालों को, फिर सेकंड फ्लाइट वाले सब लाइन में लगेंगे और अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करेंगे। ये जो आप मेरे हाथ में बोर्डिंग पास देख रहे हैं जी, ये बोर्डिंग पास है कैलाश मानसरोवर जाने के लिए। जी हाँ, शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर
ट्रिप टू टेम्पल्स के द्वारा जो ट्रिप ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें हमारे पूरे भारत से 140 यात्री आए हैं दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो देख सकते हैं जी, सुबह सुबह हमें बोर्डिंग पास मिल गया, सेकंड फ्लाइट है हमारी जो कि हम टेक ऑफ करने वाले कुछ ही देर में, और बाबा शिव के साक्षात दर्शन प्राप्त करके आएंगे शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर। एयरपोर्ट पर एंट्री हो गई है, कुछ ही देर में अपनी फ्लाइट बोर्ड की जाएगी। फर्स्ट फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है सक्सेसफुली, और देख सकते हैं जी वेदर भी एकदम अच्छे तरीके से खुला हुआ है, तो दर्शन करने के पूरे पूरे चांसेस है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। देख सकते हैं जी सभी यात्रीगण विराजमान हो गए हैं अपने अलॉटेड सीट्स पर, और जस्ट फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है दर्शनों के लिए। हर हर महादेव। शंभो 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 शंभो, ओम नमः शिवाय। देखिए जी टेक ऑफ करने वाली है फ्लाइट, ओम नमः शिवाय। Passenger sitting on the right side of the aircraft can now see Lord Kailas and Mansarovar. Thank you. तो अभी जस्ट अपडेट मिला है कि इन फ्यू मिनट्स कैलाश मानसरोवर के दर्शन होंगे, होप्स हमारी हाई है। चलिए जल्दी से आपको दर्शन करवाते हैं और सारी पूजा अर्चना करते हैं हमारे इस चार्टर्ड फ्लाइट में। देखिए जी उत्साह देखिए श्रद्धालुओं का, दर्शन होते हुए जी हर हर महादेव। हाँ जी राइट, ये सामने मानसरोवर है, सामने देखिए मानसरोवर है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती माता, हरे हरे महादेव। दो राउंड के बाद अभी फिर से तीसरा राउंड होने वाला है दर्शनों के लिए। राइट साइड से दोबारा से दर्शन होंगे। हर हर महादेव, महादेव, महादेव। ओम नमः शिवाय। राइट साइड से बहुत विजिबल है अच्छे तरीके से। ओम नमः शिवाय। इट्स जस्ट लाइक ड्रीम कमिंग ट्रू। स्वस्तिना इंद्रो वृद्धश्रावाः, स्वस्तिनः पूषा विश्वावेदाः, स्वस्तिनस्तारिक्षो अरिष्टानेमिः, स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु, प्रेकादशवा मारुतः, वृष्णिमातरः,
शुभञ्जावानो विदधे कूजगमायाः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षासो विश्वे नो देवा अवशागमन्निह मधुरं कर्णेभिः शृणुयामदेवा मधुरं पश्येमाक्षविर्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वाग्गोसस्तानु निर्व्यासेमहि देवाहितञ्जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्तिदेवा यतरा नश्चकराजरसन्तनूनाम् पुत्रासो जत्रा पितरो भवन्ति मानो मदीयारीरिघतायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनितवम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। यात्रा सम्पन्न करने की खुशी में सर्टिफिकेट वितरण किया जा रहा है जी श्रद्धालुओं के बीच में। कहते हैं कि जिस दिन शंकर भगवान ने दर्शन देने हैं उसी क्षण हमें दर्शन मिलेंगे, तो आज सभी श्रद्धालुओं को सभी यात्रीगण को शुभकामनाएं कि शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सभी को दर्शन हो पाए शिव शंकर के। नमः पार्वती पादे हर हर जी। वापिस लैंड कर गए हम नेपालगंज में, बहुत ही आनंदमय अनुभव रहा। सर कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, बहुत उत्साह था और आशा भी थी कि दर्शन अच्छे होंगे और भगवान की कृपा से मौसम भी साफ था और दर्शन बहुत बढ़िया, बहुत स्पष्ट दर्शन हुए। हर हर महादेव, थैंक यू ट्रिप टू टेम्पल। और देखिए जी, सभी श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया जा रहा है। ओम नमः शिवाय जी, कैसे रहे दर्शन? बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? अच्छा लगा। अच्छा लगा। ओम नमः शिवाय। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। क्या लगा? बहुत बढ़िया। दर्शन कैसे रहे? बहुत मस्त। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सर कैसे रहे दर्शन? दिस इज द फर्स्ट टाइम इन लाइफ वी आर सो सैटिस्फाइड। Where we cannot go to Mount Kailash or Manasarovar that easily. Thank you very much to all the organizers. God bless. Thank you so much. Hi, hi, Mahadev. देखे जी, सभी श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरण किया जा रहा है। Awesome experience. कैसा रहा experience? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कैसे रहे दर्शन? How was the experience? बहुत बढ़िया experience हुआ। लाइफ में अचीवमेंट हुआ, भगवान का आशीर्वाद मिला है शिवरात्रि के दिन। एंड वी आर फीलिंग ब्लेस्ड। वी आर फीलिंग ब्लेस्ड। कम विद ट्रिप टू टेंपल। ट्रिप टू टेंपल। थैंक यू सो मच। हाउ वाज द एक्सपीरियंस मैम? बहुत बढ़िया। और आप लोगों का भी धन्यवाद, भोलेनाथ का तो धन्यवाद है ही है। उनका ही धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन कैसे रहे आपके? सब बढ़िया है। सब बढ़िया। दर्शनों के पश्चात का जो अनुभव था, एक्सपीरियंस था, उसे मैं चंद शब्दों में बयां करना चाहूंगा कि आंखें थी नम और चेहरे पर थी मुस्कान, आंखें थी नम और चेहरे पर थी मुस्कान, दिल में थी तसल्ली
और केवल भोले बाबा का नाम, हर हर महादेव। नेपालगंज एयरपोर्ट के बाहर आ गए हैं जी। दर्शन सच में बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा। हाउ वाज द एक्सपीरियंस सर, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, जितना सोचा था उससे अच्छा महसूस। सही में, सही में सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मत पूछिए, ये बताया नहीं जा सकता। लोगों को लगता है कि प्लेन से उतना अच्छा दर्शन नहीं हुआ, लेकिन मेरा मानना है कि प्लेन से ज़्यादा अच्छा दर्शन हुआ। अगर शायद चल के जाते तो किसी एक दर्शन हो पाता किसी एक एरिया का, बट यहाँ से मानसरोवर और कैलाश दोनों के साक्षात दर्शन हुए। दर्शन वो भी एक बार में? एक बार में ही नहीं, प्लेन घुमा कर वापस भी लेकर आता है और इतने अच्छे से दर्शन करा है। मैं तो जाके पायलट के पैर छू के उनसे आशीर्वाद लिया कि आप लोग महादेव के गण हैं जिनकी वजह से हम लोग को ये मौका लगा। थैंक्स टू ट्रिप टू टेम्पल। ऐसे बहुत सारे लोग हैं लेकिन ट्रिप टू टेम्पल ने जिस तरीके से अरेंज किया है, हम लोग दिल से आभार प्रकट करते हैं। और आगे भी जब भी मौका लगा मैं अपने परिवार वालों को बोलूँगा जरूर जाइए, और इससे अच्छा सौभाग्य नहीं प्राप्त हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए अब नेपालगंज एयरपोर्ट से हम निकलने वाले अपने होटल की तरफ। पहली फ्लाइट सक्सेसफुली टेक ऑफ की, सक्सेसफुली दर्शन किए, सेकंड फ्लाइट ने भी सक्सेसफुली दर्शन कर लिया, थर्ड और फोर्थ फ्लाइट हमारी अभी ट्रिप टू टेम्पल्स के द्वारा जाने वाली है। आशा यही करेंगे कि भोले बाबा उन्हें भी अपने साक्षात दर्शन प्रदान करें। तो देखिए जी, अब आपको उनसे मिलवाते हैं जो इस पूरे कार्य के पीछे हैं। विकास जी, विकास मिश्रा जी, सर एक तो जैसे आपकी ट्रिप टू टेम्पल्स की यात्राएं जाती रहती हैं, तो ये आपके दिमाग में देखो पिछले 4 सालों से मानसरोवर के दर्शन नहीं हो पा रहे थे, आपके माइंड में कैसे पिंच किया कि हम कुछ ऐसा अतरंगी चीज़ कर सकते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हैं, वो भी एरियल दर्शन? बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि आप हमें ले चलिए ले चलिए। इतना पता था कि नेपाल में एक जगह है जहाँ से कि कैलाश दिखाई देता है, ठीक है, लिमी वैली है, वहाँ से दिखाई देता है, लोग पैदल जाते हैं करीब 1 वीक की ट्रैकिंग करके। तो ये पहले हमने प्लान किया कि हेलीकॉप्टर ले जाए ऊपर से तो दिखेगा, बट वो बहुत ही महंगा पड़ रहा था, ठीक है। फिर डिस्कशन में आया कि कोई एयरक्राफ्ट जा सकता है क्या, करते करते एक्सप्लोर किया हम लोग कि ये एयरक्राफ्ट जा सकते हैं। नेपाल में सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट है, उनसे बात किए, फिर सिविल एविएशन से बात किए, 2-3 महीने लगा इसको सब सेटल डाउन करने में, अप्रूवल लेने में। और सिविल एविएशन के लोग भी लास्ट ईयर लास्ट ट्रिप में थे, उन्होंने अप्रूव किया, और उसके बाद सब कुछ आप देख रहे हैं लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत ही स्मूथली चल रहा है। हाँ, बहुत ही अच्छा हमें लग रहा है कि लोग इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो ये सबके लिए एक अच्छी चीज़ है, के लिए राह दिखा रहे हैं। चलिए, वो बुला रहे हैं। हाँ, वो बुला रहे हैं, ये भी बात सही है। हाय हाय महादेव। तो दोस्तों, कहा जाता है कि जब भोले बाबा का बुलावा आता है तो कदम खुद ब खुद चलने लग जाते हैं। तो वही हुआ है एक बार फिर से। करीब 1.5 घंटे के भीतर मुझे दोबारा से बुला लिया भोले बाबा ने दर्शन देने के लिए। अगर बात करें, जरिया बने हैं डायरेक्टर साहब ट्रिप टू टेम्पल्स के, मुझे दोबारा से मौका दिया जा रहा है जी दर्शन करने के लिए। ये जो भी हमारी फोर्थ फ्लाइट जा रही है ट्रिप टू टेम्पल्स की, लास्ट फ्लाइट जा रही है महाशिवरात्रि के इस शुभ पर्व पर, तो उसमें एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है और आप सभी को एक बार फिर से दर्शन करवाएंगे श्री कैलाश मानसरोवर जी के। हर हर महादेव। फ्लाइट टेक ऑफ करते ही पुजारी जी द्वारा सब यात्रियों ने संकल्प लिया और भोले बाबा का ध्यान किया। सभी लोग अपना अपना नाम, अपना गोत्र और अपने घर परिवार के परिजनों का नाम ले लेंगे और बोलेंगे मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम। तो दोस्तों, सबसे पहले लेफ्ट साइड में आए हैं इस बार दर्शन। जब हम पहले फ्लाइट में आए थे तब आए थे राइट साइड में। चलिए आपको दर्शन करवाते हैं कैलाश मानसरोवर जी के एक बार फिर से। अब तो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मानसरोवर भी बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है अब तो। हम लोग आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कैलाश मानसरोवर जी का दर्शन कर रहे हैं और हम लोग यहां से दर्शन, जो झांकी दर्शन कर रहे हैं जिसे हम लोग विंडो से देख रहे हैं, तो इसका महत्व तो बताया गया है। जिस प्रकार से हम किसी मंदिर में जाते हैं, यदि मंदिर में जाकर हम गर्भगृह में दर्शन नहीं कर पाते हैं
और मात्र शिखर का दर्शन करते हैं तो वही पुण्य प्राप्त होता है। उसी प्रकार से हम लोग शिव जी का मात्र शिखर दर्शन कर रहे हैं और वही पुण्य हम लोग अर्जन करेंगे, जो कि वहाँ जाकर हम लोग मानसरोवर झील के पास दर्शन करें या फिर वहाँ पर चरण स्पर्श करके जो पुण्य अर्जन करते हैं वही केवल देखने मात्र से हमें दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो, वही पुण्य हमें प्राप्त होता है। तो ये होता है यहाँ से झांकी दर्शन हम लोग कर रहे हैं। पहले प्राचीन मंदिरों में आप लोग देखे होंगे कि झांकी दर्शन की व्यवस्था होती थी, जो कि झांकी दर्शन करने से वही पुण्य मिलता था, वही हम लोग झांकी दर्शन यहाँ से बाबा का किए हैं और हम लोग उनका आशीर्वाद लेकर प्रस्थान कर रहे हैं। हर हर महादेव। सचिन को कौन सा स्पॉट मिला है दर्शन करने के लिए? दर्शन करने के लिए जहां जहां से भी बाहर देखा जा सकता था वहां से कैलाश की झलक देखने का प्रयास किया जा रहा था। फाइनली वी हैव लैंडेड। देख सकते हैं यहाँ पर भी प्रसाद वितरित किया जा रहा है जी श्रद्धालुओं में और सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं जी माउंट कैलाश जी की यात्रा संपन्न करने पर। जय भोले। दर्शन करने की संतुष्टि सभी यात्रियों के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। पिछले 4 सालों से जहाँ जाना मुश्किल हो रहा था वहाँ अपने आराध्य देवता की एक झलक देखने मात्र से ही हम सब संतुष्ट हो गए। और अब समय है एयरपोर्ट से वापस होटल जाने का। We have reached the hotel. दर्शन काफी अच्छे रहे, बहुत ही आनंदमय एक्सपीरियंस था। अभी यहाँ पर लंच होगा एंड आफ्टरवर्ड्स पूजा अर्चना की जाएगी। यहाँ पर पशुपतिनाथ जी का मंदिर है सिद्धार्था होटल के अंदर ही, जहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी। ये हमारी जो यात्रा सफल हुई है उसके रिगार्ड में। शिवरात्रि पर काफी यात्रियों ने उपवास किया हुआ था जिनके लिए होटल वालों ने स्पेशल आइटम्स बनवाई थी। और सूर्यास्त होते ही सभी श्रद्धालु आ पहुंचे पशुपतिनाथ जी के मंदिर प्रांगण में पूजा करने के लिए। असौ जो सरपति नीलग्रीव पिलोहिताव दैनंगो पादृशन नदृशन्नुतः च सदृष्टो मृडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुके अथो जे अस्य सत्त्वानुहन्ते द्यो करं नमः प्रमुञ्च धन्मनस्तु मुभयोरार्थो जाम्ब। It's 9th of March, last day of our कैलाश मानसरोवर यात्रा। आज हम निकलेंगे नेपाल से लखनऊ की तरफ। अब जो मैं कुछ 3-4 lines बोलने वाला हूँ ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये जो ट्रिप टू टेंपल्स का पैकेज रहता है ये रहता है जी लखनऊ टू लखनऊ, मतलब लखनऊ से आपको पिक करेंगे, नेपाल आपको लेके आएंगे, सारी नेसेसरी चीज़ें जो रिक्वायर है उसको साथ में लेके चलेंगे और ये जो यात्रा होती है ये विदाउट वीज़ा और विदाउट पासपोर्ट चलती है। तो वीज़ा और पासपोर्ट की आप चिंता मत कीजिएगा। दर्शन करवाएंगे आपको कैलाश मानसरोवर के, नाइट स्टे आपका नेपालगंज में रहेगा, फिर आप अगले दिन लखनऊ की ओर निकलेंगे। तो बस अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है हमने, कुछ ही देर में गाड़ियां आ रही है और हम निकल जाएंगे लखनऊ की तरफ। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप अगली यात्रा को ज्वाइन करना चाह रहे हो जो कि अगले महीने जा रही है रामनवमी के पावन अवसर पर, तो आप अपनी बुकिंग अभी के अभी करवा
करवा लीजिए। फर्स्ट फ्लाइट हो चुकी है फुल, सेकंड फ्लाइट में कुछ जगह अभी बाकी है, तो अगर आप भी श्री कैलाश मानसरोवर जी के दर्शन करना चाह रहे हैं तो आप ट्रिप टू टेम्पल पर पूरा पूरा भरोसा कर सकते हैं। और जो ये यात्री, जो ये व्यूवर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल ऑफर होने वाली है, स्पेशल डिस्काउंट होने वाला है। तो अगर आप मेरी वीडियो देख के बुकिंग करवाते हैं, मैं आपको एक कूपन कोड देने वाला हूं, जो आपको यहां पर शो हो रहा होगा, मेंशन यहां पे मैं कर रहा हूं कूपन कोड, जो कि है वांडरर सचिन, WANDERERSACHIN विदाउट स्पेस। तो अगर आप वांडरर सचिन नाम का कूपन कोड यूज़ कर रहे हैं तो आपको मिलने वाला है स्पेशल डिस्काउंट आपकी बुकिंग के टाइम पर। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। अब हम निकलने वाले हैं नेपाल से लखनऊ की तरफ और फिर बढ़ेंगे अपने घरों की ओर। तो इसी के साथ हमारी यात्रा का होता है जी समापन। तो आप सब मेरे पीछे पीछे बोलिएगा कि करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नोखंड में शिव से बड़ा न कोई, हर हर महादेव। आशा करते हैं कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव, जय भोले की। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भोले की। और आशा करते हैं कि भोले बाबा और माता पार्वती आप सभी श्रद्धालुओं पर सुख और समृद्धि बनाए रखें। बाय बाय।